दिल्ली से लेकर हिमाचल तक बाढ़ बारिश का कहर जारी है। दिल्ली में हुई बारिश से हर तरफ जलभराव हो गया है। कहीं सड़कें लबालब भरी दिखी तो कहीं मकान के मकान डूबे दिखे। अब लोगों को बाढ़ का डर भी सता रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है तो वहीं दूसरी तरफ हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं दिल्ली का पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ के लोगों को रिलीफ कैंपों में फिलहाल रखा गया है। इस संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार से मदद की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने सभी नेताओं को धरातल पर उतार दिया है। इसी बीच बुराड़ी विधानसभा से आप विधायक संजीव झा ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बुराड़ी वासी बाढ़ से बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने यमुना के पुश्ते का चौड़ीकरण कराया था। वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग ने फिर दिल्ली में शुक्रवार को हल्की बारिश की आशंका जताई है, जिसको देखते हुए दिल्ली में अब रविवार तक स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही शुक्रवार को लाल किला बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में बारिश का असर यातायात पर भी देखने को मिला। कई रेल सेवाओं को रद्द करना पड़ा। दिल्ली में जलभराव के चलते कई जगहों पर भीषण जाम भी देखने को मिला। वहीं प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वालों को रोजाना जाम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक कुदरत के इस कहर से दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी। यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर अब नोएडा की भी परेशानी बढ़ाता दिख रहा है, क्योंकि यमुना नदी का पानी अब नोएडा के कई इलाकों तक पहुंच गया है, जिसके बाद नोएडा जिलाधिकारी ने शुक्रवार को सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, क्योंकि कई इलाकों में पानी भरने से यातायात प्रभावित हो गया है। वहीं गाजियाबाद प्रशासन ने भी 15 जुलाई तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।